पंजाब में देख लो क्या हुआ झूठ बोल दिया वहाँ उनकी उसमें सभा में आदमी पहुंचे नहीं।, नहीं वापिस हो गए पब्लिक पे इल्जाम लगा दिया किसानों का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने ये पब्लिक है आपस में लड़ा के ये मंदिर वंदिर कुछ ना बनाओ पब्लिक है मरवा आपस में ये भिड़ा के आज हम भी बदमाश है बदमाश की जगह तो जेल है सरकार किसकी आएगी सरकार तो बदलेगी अब क्या अखिलेश की आएगी अखिलेश यादव की हाँ जी क्या अच्छा लगता है अखिलेश की सरकार में आपको भाई अच्छा काम किया उन्होंने काम बताओ पढ़ा लिखा लड़का पढ़ा लड़का है काम किसानों के लिए काम किए उसने और हमारी पार्टी का अब उनके साथ विलय हो गया कौन सी पार्टी आपकी हमारी लोकदल है राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब की चौधरी साहब की जी योगी ने हाँ। काम किया पर वे तो आधी बात तो झूठ बोलते फिरे फिर यो, योगी मोदी हाँ झूठ सच्चे आदमी है वो अब वहाँ पंजाब में देख लो क्या हुआ झूठ बोल दिया वहाँ उनकी उसमें सभा में आदमी पहुँचे नहीं।, नहीं वापिस हो गए पब्लिक पे इल्जाम लगा दिया मोदी जी को घेर लिया पुल पे कहा किसानों वे अपना ज्ञापन देने के लिए गए मोदी जी ज्ञापन ले रहे हैं उनका कोई सेक्रेटरी होगा वो लेता सचिव होगा कोई दूसरा मोदी जी कह रहे मैं जिंदा लौट आया अरे जब उन पर कुछ हमला ही ना हुआ तो जिंदा कोई मारने के लिए थोड़ी गए उन्हें हाँ। तो झूठ बोले हैं क्या बोला रोक उनका झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री हाँ तो राष्ट्रगुण रास्ता रोकना सही है पीएम का वैसे ही तो बात गलत पर उनका ज्ञापन लेना चाहिए उन्होंने वे तो रैली में गए ज्ञापन कहाँ ले रहे हैं वो अरे उनका कोई अधिकारी तो होगा उलेता तो सुनते नहीं है किसानों की बात ये ना और... किसानों का तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने स्मार्ट बना रहे किसानों को ये आधुनिक आधुनिक किसान तो ये जिंदगी में भी नहीं बना सकते अब क्या तो इनकी सरकार बदल रही है बर्ताव मंदिर तो बना रहे हैं मंदिर तो इतने खाली पड़े हैं कर देख लो जो कोई भी बैठता हो उसमें अब कह रहे हैं मथुरा बनाएंगे योद्या में बन रहा है ये पब्लिक है आपस में लड़ा कर ये मंदिर वंदिर कुछ ना बनावा पब्लिक है मरवा मांगे आपस में ये भिड़ा अच्छा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं हाँ जी लेकिन बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है पाकिस्तान भी डरता है दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का प्रधानमंत्री तो इन सभी अच्छे अच्छे आ गए चौधरी सिंह आए लेकिन उनके बेटे ईमानदार आदमी उनके वोटे को वोट नहीं मिलता है हमारे देश में अब क्या मिला जयंत चौधरी को हाँ जी अब क्या किसान उनके साथ है सब वोट मांग रहे हैं वो भी पूरी यूपी में हाँ जी लेकिन लोग कह रहे हैं कि गुंडों से मिल गए ये हम ना गुंडा बताओ कुछ बताओ दंगे करवाते हैं उत्तर प्रदेश में ये दंगे तो ये करवाओ बीजेपी वाले मुजफ्फरनगर में करवा दिया था ना दो में अब कोई अपने आप जाकर कर गुथन लगा तो सरकार की क्या गलती है उसमें आजम खां हैं जो सपा के वो जेल में पड़े हैं दुनिया पड़ी है जेल में तो मन? कल कल अनिल दुजाना पकड़ लिया वो तो इनामी बदमाश है हाँ तो आजम भी बदमाश है बदमाश की जगह तो जेल है ए वो मंत्री रहे ताऊ जी कैबिनेट मंत्री बेशक रहे हूँ पर... काम तो बताओ योगी जी का जो अच्छा लगता हूँ आपको योगी का मोदी का अब कर एक काम किसानों को बिजली का बिल आधा किया हाँ, तो चुनाव को देखते हुए करा रहे तो। हाँ। पहले से करते तो हम भी मान लेते कुछ नौकरी वोकरी मिल रही है बच्चों को आपके गांव में हाँ नौकरी तो मिल रही है सर सरकारी सरकारी लगाए का लड़का आपका लड़के हमारे गांव के दस बारह लगे पुलिस में तो काम बढ़िया कर रही ना सरकार रोजगार मिल रहा है जुकों को हाँ, रोजगार मिल रहा है एक काम बढ़िया कर दिया दस गलत कर दिए तो उस एक है भी डूब में वे गलत तो बताओ गलत क्या बताओ गलत काम अरे ये आपस में लड़ाई करनी अच्छा हिंदू मुस्लिम की वो ये कह रहे मियाँ टाइट कर दिए हमने टाइट ना कोई भी जितनी सहूलियत मियाँ को हो रही है इतनी और किसी है ना हो रही है हॉस्पिटलों में जा देखो जितने हैं मुल्ला मुला हाँ। बताओ वो तो, तो दवाई लेना जाते हैं ना ये सारे मुल्ला बीमार हो गए नमाज नहीं पढ़ने देते उनको शुक्रवार को खुले में खुले में तो पढ़नी भी ना चाहिए उन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री ना खट्टर है हाँ। उन्हें पुलिस लगा दिया कि हाँ नमाज मत पढ़ना खुले में आप लोग खुले में तो गलत है भगवान का नाम दे रहे हैं ना हम तो भैया राष्ट्रीय लोक दल के अच्छा हाँ लेकिन जो अजीत सिंह चौधरी अजीत सिंह रहे हैं वो कहते थे कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा है ना समाजवादी पार्टी का समझो उसमें गुंडा है और उनके बेटे ने उनसे महागठबंधन कर लिया करना पड़ा है भैया जरूरत है टाइम की हाँ समय की पुकार आ रही है ये तो लेकिन ताऊ जी हम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई रैलियों में गए हमने कहा किसको वोट दोगे कहने लगे हम तो भाजपा को देंगे इसको देंगे नहीं बिल्कुल भी जैन चौधरी को क्योंकि उसने गलत पार्टी से गठबंधन कर हाँ जाकर देखो बागपत में बड़ौत में मुजफ्फरनगर में सहारनपुर में वहाँ जाकर हाँ। देखो कैसे लगते हैं आपको बढ़िया सरकार झुका दी राकेश टिकैने वोट देोगे चुनाव लड़ेंगे तो वो हाँ वोट दे देंगे वो तो हमारी पार्टी के हैं राष्ट्रीय लोक दल से उनका समझौता समझौता उन। है उनका समर्थन नहीं कर रहे लेकिन वो कर रहे, रहे? हैं वे अच्छा झुका दिया ना सरकार को उन्होंने हाँ। पर, पर तो आरोप लग रहे हैं दुनिया आरोप लगा हुआ है आरोप उनसे क्या हो रहा है आरोप तो हमने धरना दिया गीड़िये ना हम पे भी आरोप लगाए हमने यही गिडीए का घेराव किया अभी आठ दस दिन पहले आपने क्यों किया था क्या दिक्कत है आपको हमें मावजा चाहिए बढ़िया हुआ लिखा हुआ है हम पे नहीं रहे पर दे नहीं रहे अब हम सुप्रीम कोर्ट चले गए वहां मुकदमा लड़ेंगे अच्छा। सरकार अच्छे काम नहीं कर रही है नहीं लेकिन ये तो कर रामराज ला रहे हैं ये यमराज ला रहे रामराज नहीं अच्छा यमराज राज लोग कह रहे कि हिंदू मजबूत हो रहे हैं मुगल काल था यहाँ पर मुस्लिम शासक रहे थे उनका नाम खत्म कर रहे हैं किताबों से, से। हिंदू तो पहले से मजबूत है ये हाँ कहते हैं कि आज जो है हिंदुओं के जो बच्चियां हैं लड़कियाँ हैं औरतें हैं है, सब सुरक्षित हैं हाँ ये तो बात ठीक है सुरक्षित है लेकिन बताओ वोट किसे वोट तो हम भैया जैन चौधरी को देंगे तो वैसे जीत कौन रहा है अब हमारी तरफ से जीत तो कोई भी है जी हमें तो वोट देने का अधिकार है वैसे क्या लग रहा? क्या चल कौन जीत रहा सरकार लोग क्या कहते हैं भैया अखिलेश की और जैन चौधरी की सरकार आ गई अच्छा मिली जुली बनेगी सरकार मिली जुली बनेगी हाँ जी और योगी योगी साहब योगी साहब और मोदी जी मोदी का तो आज्ञा चौबीस सन चौबीस मैं उसकी देख देखी जाएगी योगी बढ़िया है मोदी बढ़िया दोनों में कोई सब बढ़िया ना अच्छा तो वोट तो कैसे मिल जाए फ्री ने चोरी करे हैं वोटन की मशीन ऐसी है वोट डाल लो के कहीं जाएगी फूल पे अच्छा हाँ मशीन में चोरी है आप जैसे लोग ही सुना हमें अच्छा तो कोई महंगाई हो रही है लगता है आपको भी हाँ महंगाई तो है भैया डीजल पेट्रोल महंगा यूरिया महंगाई कैसे ना होगी जब मुलाओं को और इन्हें राशन दिया जा रहा है फिर तभी तो जीत रही होगी तेल चीनी मुसलमान कौन वोट दे रहे है उसे टिकट ना देते आप लोग किस है क्यों नहीं देते वोट ना ये कट्टर विरोधी है मुसलमानों के ना दे रहे बहुत सारा तेल गेहूं चावल चीनी सभी नहीं दे रहे हिंदुओं को नहीं मिल रहा हरिजनों को मिल रहा बस जाटों को ना मिल रहा दो चार जाट होंगे हमारे गांव में तुझी मिल रहा खेती बेती है खेत <laughs> किसने छोड़ दिया हम पे जमींदार गरीबों को मिलता सब छीन लिए चलो हम भी तो गरीब हो गए हम भी तो गरीब हो गए जब जमीन छिन गई हमारी पेंशन वगैरह मिल रही है कुछ नहीं कुछ नहीं